हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कानून और आपके अधिकार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक चर्चित केस उमेश पाल अपहरण केस के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप सब ने इस केस के बारे में ज़रूर सुना होगा। दो तीन दिनों से मीडिया में ये केस सुर्खियों में है। इस केस में बाहुबली अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा और 1,00,000 का जुर्माना हुआ है। अतीक अहमद के साथ दो और सह अभियुक्तों को सेम पनिशमेंट हुई है। इस केस में ये कन्विक्शन सेक्शन 364A IPC के तहत किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 364A IPC के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात कि सेक्शन 364A IPC क्या कहता है। सेक्शन 364A के तहत जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, अपहरण के बाद किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या फिर उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है, या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनता है, इसमें मौत की सज़ा या आजीवन कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 364A के बारे में कहा है कि इसमें दूसरी शर्त का पूरा होना ज़रूरी है, तभी सेक्शन 364A के तहत किसी व्यक्ति को कन्विक्टेड किया जा सकता है। मतलब 364A के तहत किसी भी व्यक्ति को कन्विक्टेड करने के लिए अपहरण किए गए व्यक्ति को मौत या चोट का खतरा साबित करना ज़रूरी होता है, और अभियोजन पक्ष द्वारा उमेश पाल अपहरण केस में इन दोनों शर्तों को ऑनरेबल कोर्ट के सामने साबित किया गया। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा इस दूसरी शर्त को ऑनरेबल कोर्ट में साबित नहीं किया जाता तो ये सेक्शन 364A सेक्शन 363 में कन्वर्ट हो जाता और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा होती। सेक्शन 364A एक कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस है जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जाती है और ये समझौता योग्य नहीं होता है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।